अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम. आई एम योर उर्दू टीचर एंड दिस इज़ योर उर्दू बुक. नाउ ओपन द पेज नंबर 120. दिस इज़ योर पेज नंबर 120. कवायद हैं आपके पास इसम के इकसाम के. स्टूडेंट्स, बनावट के लिहाज से इसम की तीन इकसाम हैं, ठीक है? यानी कि इसम की तीन किस्में हैं बनावट के लिहाज से, ठीक है? पहली है हमारे पास इसमें जामिद, दूसरी है इसमें मुसद्दर और तीसरी है इसमें मश्तक. ओके स्टूडेंट्स, बनावट के लिहाज से हमारे पास कितने इकसाम हैं? इसम की तीन इकसाम हैं, इसमें जामिद, इसमें मुसद्दर और इसमें मश्तक. इसमें जामिद ऐसा इसम जो ना खुद किसी लफ्ज़ से बना हो और ना ही इससे कोई लफ्ज़ बने, मसलन मर्द, बकरी, मेज़, आसमान. यानी इसमें जामिद उस लफ्ज़ को कहते हैं जो ना किसी लफ्ज़ से बना हो और ना ही उससे कोई और लफ्ज़ बन सकता हो, ठीक है? वो क्या कहलाता है? इसमें जामिद. इसमें मसदर, वो इसम जो ख़ुद तो किसी कलमे या लफ्ज़ से ना बना हो लेकिन इससे दूसरे बहुत से अल्फाज बन सकते हों, ठीक है? जैसे लिखना, हंसना, चलना, ठीक है? मसदर की पहचान यह है कि इसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाता हो, इसके आखिर में हमेशा ना आता हो, इस ज़माने में नहीं पाया जाता, यानी कि इस ज़माने में नहीं पाया जाता हो, ठीक है? मसदर के आखिर से ना दूर करने से फैले अमर बन जाता है, जैसे लिखना से लिख, पढ़ना से पढ़. ओके स्टूडेंट्स, इसमें मसदर एक ऐसा इसम होता है जो ख़ुद तो किसी लफ्ज़ से नहीं बना हो लेकिन उससे और लफ्ज़ बन सकते हों, जैसे से लिखना, पढ़ना, सहना. बाद इसमें नकरा के आखिर में ना आता है लेकिन चूंकि वो फ़ैल यानी कामों के नाम नहीं, इसलिए वो मसदर नहीं है, ठीक है? मसलन नाना, पुराना, घराना, सामना, ये ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे इसम हैं जो फ़ैल नहीं है, यानी कि वो किसी कामों के नाम नहीं है. नाना कोई काम नहीं है, पुराना कोई काम नहीं है, ठीक है? इसमें मसदर वो होता है जो ख़ुद तो किसी से नहीं बनता लेकिन उससे बहुत सारे अल्फाज बन सकते हो लेकिन उसका फ़ैल होना लाजमी है, यानी कि वो किसी काम का होना ये लाजमी है. जैसे लिखना काम है, हंसना हंस रहा है यानी कि काम कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें मश्तक, वो इसम जो कायदे के मुताबिक मसदर से बनाया जाए, जैसे लिखना से लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई, बैठना से बैठक, ठीक है? इसमें मश्तक वो इसम होता है जो मसदर से बनाया जाए, जैसे लिखना क्या है? इसमें मसदर, इससे क्या बनाया गया? लिखाई. तो लिखाई क्या हो गया? इसमें मश्तक. ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर मश दी गई है दर्ज ज़ेल अल्फाज में से इसमें जामिद, इसमें मसदर और इसमें मशतक अलग अलग करके लिखने हैं, ठीक है? उठना क्या है स्टूडेंट्स? उठना क्या है? इसमें मसदर है, ठीक है? तो आप इसमें मसदर में लिख देंगे. चांद, चांद क्या है? इसमें जामिद, क्योंकि चांद ना किसी से बना है किसी लफ्ज़ से और ना ही चांद से कोई और लफ्ज़ बन सकता है, ठीक है? धुलाई क्या है? धुलाई क्या है स्टूडेंट्स? इसमें मश्तक. कुर्सी, इसमें जामिद. सूरज, इसमें जामिद. पढ़ना, इसमें मसदर. झगड़ा, इसमें मसदर. सोना, इसमें जामिद. लिखाई, इसमें मश्तक. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड माई टूडेज लेसन. आई विल कम बैक विद अनदर लेसन टुमारो. टिल देन, लव हाफिज़.